जय हिंद साथियों, मैं हूं निम्मी कुकरेती और उत्तराखंड पहाड़ी रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बना रहे हैं ककोड़ी की सब्जी, जिसे हमारे उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में मीठे करेले भी बोलते हैं और मीठे करेले के साथ साथ ककोड़ी भी बोलते हैं। तो हम मीठे करेले की आज सब्जी बना रहे हैं। ये देखिए, ये इस तरह के होते हैं, ये देखिए, और इनमें ये हल्के कांटे भी कांटे जैसा होता है। तो इसको इसकी सब्जी साथियों बहुत अच्छी होती है और ये प्रोटीन और फाइबर युक्त होता है, इसमें आयरन भी काफी होता है। तो साथियों, इसे हम सबसे पहले, वैसे मैंने सब्जी काट ली है, ये मैंने कुछ पीसेस रखे हैं ताकि मैं दिखा दूं कि इसकी सब्जी और बीज कैसे होते हैं। ये देखिए, इसके अंदर इस तरह से बीज होते हैं, इन बीजों को हम इस तरह से निकाल लेंगे और इन्हें हटा लेंगे और इस तरह से हम इसको काट लेंगे। आप चाहे तो इसके चार पीसेस इस तरह से भी काट के कर सकते हैं। तो साथियों, इसको इसी तरह से हमें साफ करना है। और ये देखिए, ये बीज हैं, इन बीजों को हम निकाल लेंगे और इसको या तो हम दो पीस में काट लेंगे या हम इसके चार पीस बना लेंगे। तो मैंने दो दो पीस में इनको काट रखा है और इस तरह से हम ये सारी सब्जी काट लेंगे। तो साथियों, हमने गैस पे कढ़ाई रख ली है, लोहे की कढ़ाई है, और सरसों का तेल हमने एक चम्मच इसमें डाल दिया है। तेल गर्म हो चुका है और इस तेल में अब हम डालेंगे थोड़ा सा जख्या, आप जीरा भी डाल सकते हैं अगर जख्या ना हो तो। उसके बाद हमें इसमें डालना है जो हमने ये प्याज काट रखा है, बड़ा प्याज हमने काटा है और इसको हमने लंबा लंबा पतला सा काट लिया है। और इसे हम हल्का ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाएंगे। देखिए, प्याज जो है लाइट गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें डाल लेंगे टमाटर और उसमें मैंने अदरक की बहुत छोटी सी टुकड़ी, आधे इंच से भी छोटा, लंबा लंबा पतला काट लिया है, इसको भी डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, एक चम्मच हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, बहुत कम हम मसाले इसमें यूज करेंगे, नमक स्वाद के हिसाब से, मोटी मिर्च, मोटी मोटी इसे कूट ली है, लगभग दो मिर्च के बराबर हम इसमें डाल लेंगे, बहुत तीखी मिर्च नहीं होंगे। अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए, ये मैंने लहसुन के जो छिलके होते हैं उसका पेस्ट बनाया था, उसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाली है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, तो आप वहाँ भी इसे देख सकते हैं। ये इसके जो छिलके हैं, लहसुन के छिलके, उसका ये रस है, इसको डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन जो लहसुन के छिलके हैं उसका रस जो है बहुत स्वादिष्ट होता ही है, हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिट होता है इससे। तो आप देख सकते हैं रेसिपी में, हम इसको ढक के रख देंगे और साथियों सब्जी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं और मसालों की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो ऐसे में अब हम डाल देंगे सब्जी।
मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और मिक्स करने के बाद इसको फिर से हम ढक के रख देंगे ताकि जो है जो हमारी सब्जी है वो पक जाए। देखिए मिक्स करने के साथ ही हमें इसमें थोड़ा सा काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, तो लगभग आधी चम्मच हमने जो है आधी से भी कम इसमें काली मिर्च डाल दी है। और अब हम इसको ढक के रख लेते हैं। दो मिनट के बाद फिर चेक करेंगे। साथियों दो मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं सब्जी को। ये देखिए काफी अच्छी जो है पक गई है। अब हमें इस सब्जी में डालना है इसको, क्योंकि हम थोड़ा लटपटी सब्जी बनाएंगे, लटपटी यानी कि थोड़ा सा रसदार। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे और इस पानी को सब्जी के साथ हम पका लेंगे और इसे ढक लेंगे। साथियों सब्जी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी जो है लटपटी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। मीठी करेले की सब्जी एकदम बनकर तैयार है। इसको हमने गार्निश कर लिया है अदरक के लच्छों से। तो साथियों आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप जरूर जो है मेरे चैनल पे आप बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और नई रेसिपी के साथ हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।